नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई टीम ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे के साथ बातचीत की और भावी रणनीति के बारे में भी चर्चा की। न्यूली इलेक्टेड ऑफिस बीरर्स ने ऑनरेबल हाईकोर्ट जजेस, सबॉर्डिनेट कोर्ट के हमारे जो जजेस हैं और लर्नर्ड मेंबर्स ऑफ द बार एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को सबको बुलाया है और जो इतना अच्छा मैंडेट हमें मिला है, बार मेंबर्स ने हमें दिया है, उसको हम सब मिलजुल करके आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नाबार्ड बैंक में एक छापेमारी की। हालांकि ये छापेमारी किस कारणों की वजह से हुई, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। NHAI की तरफ से बाईपास कुंडवानी में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया और जिन लोगों ने भी हाईवे पर अतिक्रमण किया था उन्हें चेतावनी दी गई और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की। कोई गरीब बंदा उसका भी डावा, उसको भी नोटिस दो, कुछ बता तो दो एक बार। ये देखा देखी कर रहे हैं, एक बेचारा नीचे राजन भार के साथ बिल्कुल ढाबा का काम करता था, ढाबा था छोटा सा और 100 फुट के बाहर था, उसका तंदूर तक तोड़ा गया है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने बढ़ते LPG गैस की कीमतों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने BJP के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत थोड़ी महंगाई की मार, सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार के शासनकाल में अगर किसी का विकास हुआ है तो वो हुआ है मात्र महंगाई का विकास। बीते दिन फिर दोबारा से LPG जो रसोई गैस सिलेंडर है उसके अंदर एक बार फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी भाजपा सरकार लगातार महंगाई पर नए कीर्तिमान स्थापित करने के अंदर जुटी है। डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिब ने उधमपुर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कई ई सर्विसेज का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कई सर्विसेज को ई माध्यम से लॉन्च किया गया है जिससे अब लोगों को काफी फायदा होगा। ये हमारी पिछले 20 दिनों से एक तैयारी चल रही थी ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन से कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए और रेवेन्यू में हम लोग डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 8 सर्विसेज ऑनलाइन कर चुके हैं। आज हमने एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया है तहसील उधमपुर का। अब मेरी सभी लोगों से जो ये सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन जाइए और इनको जो है ऑनलाइन अप्लाई करिए। हमने ये लॉन्च कर दी है और हमारे पास 28 एप्लीकेशंस अभी रिसीव भी हो चुकी हैं। हीरानगर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर यहाँ के विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग कॉलेज में एडमिशन्स की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 2-3 हफ्तों से इधर रेगुलर ही आ रहे हैं लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिल रही। हम कहाँ जाएं? वो हमें भी बताए ना कि हमने कहाँ जाना है, हमने भी तो एडमिशन लेनी है। जल शक्ति PHE एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये लोग कैजुअल वर्कर्स की पेंडिंग सैलरीज को जल्द से जल्द रिलीज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। डेली वेजर की पेंडिंग पे, डेली वेजर की पेंडिंग पे, डेली वेजर जो है वो इतना दुखी है इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट जो है ये खाली झूठे वादे, खोखले वादे और लोगों को और एम्प्लॉयज को और वर्कर को खाली ये सभी बाग दिखाते हैं। आज तक कोई भी काम पूरा नहीं किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उधमपुर में BJP सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने LPG गैस के दाम बढ़ाने पर अपना रोष जाहिर किया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 10 रोज पहले भी हमने प्रदर्शन किया था क्योंकि 10 रोज पहले रसोई गैस के दामों में 25 रुपए बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन बड़ा शर्म की बात है, हमने मांग रखी थी कि इसमें जो बढ़ोतरी की गई है वह कम की जाए, लेकिन कल केंद्र सरकार द्वारा रसोई के गैसों में, घरेलू रसोई गैस में 25 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर में 75 रुपए बढ़ोतरी करके एक बार फिर इस सरकार ने यह साबित कर दिया कि यह तानाशाही सरकार है। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।